तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस की थी और परफेक्ट सर्कल बनाने की भी प्रैक्टिस की थी, वो आपको कैसे करनी है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन बेसिक लाइनिंग की हेल्प से आप कैसे इजीली कोई भी शेप्स बना सकते हो, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनको आप कैसे बना सकते हो और उन बेसिक शेप्स की हेल्प से आप कैसे इजीली ड्राइंग कर सकते हो, जैसे कि एप्पल हो गया, हट हो गया, आप इनको कैसे बना सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको ये लाइनिंग की प्रैक्टिस बताई थी और ये सर्कल की प्रैक्टिस बताई थी, इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप कैसे कोई भी बेसिक शेप्स बना सकते हो। मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में कुछ स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए बताया था, आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और दोस्तों मैंने आपको सर्कल की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप इस तरह से सर्कल की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी इसकी हेल्प से आप कोई भी बेसिक शेप्स कैसे बना सकते हो। दोस्तों बेसिक शेप्स बनाने के लिए आपको इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनिंग बनानी है, इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से दोस्तों आप स्क्वायर बना सकते हो। और दोस्तों इसी तरह से आप इस स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस की हेल्प से एक रेक्टेंगल भी बना सकते हो, इस तरह से। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने कुछ स्लांट लाइन बताई थी पिछली वीडियो में, इस तरह से इनकी हेल्प से आप कैसे रेक्टेंगल बना सकते हो, इस तरह से दोस्तों आप स्लांट लाइन की हेल्प से रेक्टेंगल भी बना सकते हो, इस तरह से। और दोस्तों अगर आपको कोई भी हट बनानी हो तो आप उसको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ करना है, इस तरह से, फिर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, इस तरह से फ्रेंड। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको एक इस तरह से कोण बनाना है, इस तरह से आप स्लांट लाइन की हेल्प से इस तरह से आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। और दोस्तों इस तरह से आपको एक लाइनिंग बनानी है। और दोस्तों इस तरह से आप हट भी बना सकते हो और इस तरह से आपको एक स्क्वायर बनाना है जो कि हमारी जो हट है उसका गेट है, और आप इस तरह से एक सर्कल बना सकते हो, इस तरह से आप एक हट बना सकते हो फ्रेंड्स। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप सर्कल की हेल्प से कैसे कोई भी एप्पल ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से आपको सर्कल बनाना है, देन इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस तरह से कर्व लाइन बनाते हुए एप्पल की शेप जो होती है वो बनानी है आपको, इस तरह से फ्रेंड्स, आप इजीली एप्पल बना सकते हो। इस तरह से आप एप्पल बना सकते हो फ्रेंड्स। जो दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा लाइन है मैं उसको रफ कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसी सर्कल की हेल्प से आपको एक मैंगो बना के दिखाता हूँ। इस तरह से आपको सर्कल बनाना है, देन उसके बाद आपको नीचे भी इसी तरह से एक सर्कल बनाना है, देन उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करनी है और जो मैंगो की शेप होती है उसी तरह से हम उसको ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से फ्रेंड्स। इस तरह से आप कोई भी मैंगो बना सकते हो, इस तरह से। आप इसी तरह से दोस्तों
जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई थी इनकी हेल्प से, इसी तरह से बेसिक चीज़ें जो होती हैं जैसे एप्पल हो गया, ये सब आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से आप कोई भी बस, गाड़ी या ट्रेन कैसे बना सकते हो। इस तरह से दोस्तों आपको एक स्क्वायर बनाना है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से स्क्वायर बनाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से लाइनिंग बनानी है, इस तरह से। और दोस्तों मैं सर्कल की हेल्प से इस तरह से इसके पहिए बना देता हूँ, इस तरह से। अब दोस्तों जो भी हमारा बस में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि लाइट वगैरह हो गई, शीशा होता है, मिरर, वो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से आप बना सकते हो। इस तरह से हमारी बस होती है दोस्तों। और दोस्तों बस में हमारे जो खिड़कियाँ वगैरह होती है, इनको भी आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से इजीली बना सकते हो। इस तरह से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से कोई भी गाड़ी बना सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको सर्कल की हेल्प से आपको एक मिक्की माउस बना के दिखाता हूँ। आपको फ्रेंड्स इस तरह से सर्कल बनाना है, देन उसके बाद आपको इस तरह से एक एक सर्कल बनाना है। और दोस्तों जो भी हमारे मिक्की माउस में छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे आँख, नोज, ये सब हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स आप इस तरह से मिक्की माउस भी बना सकते हो। आप इसी तरह से दोस्तों जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई थी इनकी हेल्प से, इसी तरह से बेसिक चीज़ें जो होती हैं जैसे एप्पल हो गया, ये सब आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इन बेसिक शेप्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हट कैसे बनानी है, एप्पल वगैरह आपको कैसे बनाने हैं, इनमें आप कैसे इजीली शेडिंग कर सकते हो। क्योंकि बिगनर्स को ड्रॉइंग के बाद दोस्तों शेडिंग पे ध्यान देना चाहिए, डायरेक्टली कलर पे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे इजीली शेडिंग करोगे।